नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार से, उससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस की ओर। झाबुआ में जनजातीय महासम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन, पीएम नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में हुए शामिल, विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास। कटनी में शादी समारोह में चली दनादन गोलियां, फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, मामले की सूचना पर पुलिस ने शुरू की कार्रवाई। भिंड में डिवाइडर से बाइक टकराने से तीन लोग घायल, एक घायल व्यक्ति ने रास्ते में ही तोड़ा दम, आक्रोशित परिजनों ने किया चक्का जाम कर प्रदर्शन। झाबुआ में पलटा बारातियों से भरा पिकअप वाहन, घटनास्थल पर ही दो लोगों की हुई मौत, घटना में दर्जनों लोग हुए घायल। और बहर में बारिश के साथ हुई बर्फबारी, बारिश और बर्फबारी से किसान हुए परेशान, मौसम के बदलते मिजाज ने बढ़ाई लोगों की चिंता। तो इसी के साथ रुख करेंगे खबरों की ओर। झाबुआ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिले के ग्राम गोपालपुरा में जनजातीय महासम्मेलन कार्यक्रम के अवसर पर मध्य प्रदेश को 7,550 करोड़ से अधिक के विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर सौगात दी। साथ ही पीएम मोदी ने इस अवसर पर रेलवे और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं कार्यक्रम में महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल, सीएम डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय ग्रामीण विकास और इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के साथ कई लोग मौजूद रहे। ये बता रहे हैं मध्य प्रदेश में फिर से एक बार बनाई हुई ये डबल इंजन की सरकार डबल तेजी से काम कर रही है। विकास के इस महाअभियान का श्रेय मध्य प्रदेश की जनता को जाता है। मैं आप सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, यहां आपके बीच आने से पहले मैंने देखा कि मेरी यात्रा को लेकर खूब चर्चाएं भी हो रही है, भांति भांति की बातें लिखी जा रही है, भांति भांति की बातें बोली जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी मध्य प्रदेश में झाबुआ से लोकसभा की लड़ाई का लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए नहीं आया है। मोदी को सेवक के तौर पर ईश्वर रूपी एमपी की जनता जनार्दन का आभार मानने आया। खबर चितरंगी विधानसभा क्षेत्र से है, जहां पर बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष कांतदेव सिंह राजा साहब ने प्रवास के दौरान दो दिन क्षेत्र का भ्रमण कर शासकीय सीएम राइज विद्यालय चितरंगी सहित कई शासकीय संस्थाओं का भ्रमण किया और आवश्यक बिंदुओं पर चर्चा करते हुए जायजा भी लिया। साथ ही पूर्व मंत्री जगन्नाथ सिंह के निवास पर भी पहुंचकर आवश्यक बैठक की, गांव में चले अभियानों के अंतर्गत कार्यकर्ताओं से रूबरू होते हुए पार्टी के रीति नीति और सिद्धांतों के बारे में विचार व्यक्त किया। साथ ही साथ बीजेपी में सेवानिवृत्ति निरीक्षक डीएन राज और निविदाकार उदित नारायण सिंह ने भी प्रदेश उपाध्यक्ष के कर कमलों से सदस्यता भी ग्रहण की और इस दौरान पूर्व विधायक अमर सिंह, वरिष्ठ कार्यकर्ता दुर्गा सिंह मंडल अध्यक्ष प्रकाश नारायण जायसवाल सहित सैकड़ों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय नेतृत्व ने यह तय किया कि समूचे देश भर के 7 लाख गांव में हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता एक एक गांव में 24-24 घंटे गुजार के और वहां पे जाएं, शासन की योजनाओं के बारे में जनता को बताएं और उसके तहत विभिन्न प्रकार की गतिविधियां 24 घंटे के दरमियान करना है। ये एक बहुत बड़ा बड़े महत्वपूर्ण अभियान है। इसके तहत
दिनांक 9, 10, 11 तीन दिवस का ये अभियान अपने आप में शुरू हो चुका है। मैं भी गत दिवस कल चितरंगी ग्राम में बूथ क्रमांक 97 में मैं भी अपना समय व्यतीत किया और बड़ी खुशी हुई, बड़ी अच्छी अनुभूति हुई। ये अभियान निश्चित रूप से आने वाले समय में संगठन को तो मजबूत करेगा ही, साथ में हमारे कार्यकर्ता भी सक्रिय होंगे, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है। उस चुनाव में कार्यकर्ताओं की सक्रियता और कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित हो, इस नाते इस अभियान के माध्यम से हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं। 2023 के विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपार सफलता प्राप्त हुई। समूचे मध्य प्रदेश में 163 सीटें जीत के हम लोगों ने इतिहास बनाने का काम किया है। उसी तारतम्य में अपने सिंगरौली जिले की तीनों विधानसभा सीट भारी बहुमत से हम सब लोगों को सफलता मिली है। तीनों सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है। इस विजय का श्रेय हमारे जो बूथ के कार्यकर्ता हैं उनको जाता है। भिंड जिले के भूतपूर्व सैनिक संगठन समाज सेवियों ने की प्रेसवार्ता और प्रेसवार्ता के जरिए भूतपूर्व सैनिक संगठन ने कहा कि हाल ही में छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में शहीद हुए पवन भदौरिया के परिवार को एक सरकारी नौकरी और 1 करोड़ की सम्मान राशि जल्द दिए जाने की मांग की है। शहीद पवन भदौरिया को लेकर 19 मार्च को कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने की भी बात कही गई है। तो वहीं उनकी दूसरी मांग है कि ग्वालियर भिंड इटावा राष्ट्रीय राजमार्ग होने के बावजूद भी सिंगल रोड है, इसे 6 लाइन किया जाए ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके, और उसको लेकर भी भूतपूर्व सैनिक संगठन और समाज सेवियों ने धरना प्रदर्शन करने की बात कही है। साथ ही 14 फरवरी को पुलवामा के अमर शहीदों की याद में पवई से लेकर भिंड शहीद स्मारक तक शौर्य यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें उन्हें प्रशासन की ओर से सहयोग प्रदान किया जाएगा। हमारे शहीदों के जो कार्यक्रम होते हैं उनमें जिला प्रशासन को भागीदारी करना चाहिए, ये काम हम लोगों को ही करने पड़ते हैं और इसमें जिला प्रशासन सहयोग नहीं करता। आगामी 14 फरवरी को हम शौर्य यात्रा पुलवामा के वीर शहीदों की याद में निकाल रहे हैं, तो उसमें जिला प्रशासन सहयोग करे और पवन भदौरिया जो इस समाज और राष्ट्र के लिए जिसने अपना बलिदान दिया, और क्या ये काम सरकारों का नहीं था, भिंड कलेक्टर की जिम्मेदारी नहीं थी कि उसकी अर्थी को कंधा देते, उसके परिवार तक पहुंचते, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ के मंत्री जी उस समय पहुंचते तो कोई भी दाह संस्कार में नहीं पहुंचा। ये बहुत दुख का विषय है और हमें बड़ा खेद होता है कि जो लोग अपने प्राणों की आहुति जो जवान हमारे दे जाते हैं, क्या उनके परिवारों की जिम्मेदारी सरकार का काम नहीं है। आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आह्वान करते हैं कि आप समाज को संदेश दें, मैसेज दें, क्या आगे आने वाले कल में जो हमारे जवान सेना में ड्यूटी दे रहे हैं उनके मनोबल पर इसका असर पड़ेगा। मध्य प्रदेश की सरकार उनके साथ है और जो भी नियम होंगे, नियम के तहत जो सरकार आज तक किसी भी शहीद का जो भी आज तक जो सहायता हुई है, पूरी सहायता देने का मध्य प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी काम करेंगे। पत्र में क्या क्या मांग की है? हमने पत्र में मांग की है, माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा ध्यान देंगे। बालाघाट जिले के खैरलांजी थाना अंतर्गत भोरगढ़ निवासी रवि गोलू मेशराम सुबह करीब 8 बजे रेत लेने गए, जिसे एक युवक की तरफ से रोककर रेत ले जाने के लिए 700 प्रति ट्रॉली की मांग की गई। वहीं रवि मेशराम द्वारा पैसे नहीं देने पर उस युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर जातिगत गाली गलौज करते हुए मारपीट की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद पीड़ित ने थाना पहुंचकर युवक के विरुद्ध ब्लैकमेलर बताते हुए शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पुलिस ने मामले की छानबीन करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। भिंड जिले के देहात थाना अंतर्गत आने वाले हीरापुर गांव में एक ही परिवार के 2 गुटों में जमीनी विवाद को लेकर खूनी मुठभेड़ हो गई, जिसमें दोनों ओर से चली गोलियों में एक पक्ष के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनमें से 2 लोगों को गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार हीरापुर गांव के रहने वाले एक ही परिवार के अजय भदौरिया और मुरारी भदौरिया के बीच जमीन बंटवारे संबंधी विवाद चल रहा था। विवाद के कारण दोनों गुटों में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वहीं पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास की धारा 307 के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत हीरालाल का पूरा गांव आता है, वहाँ पर एक ही परिवार के आप जमीन संबंधी विवाद को लेकर एक पक्ष के द्वारा गोली चलाई गई, इसमें 4 लोगों के घायल होने की सूचना मिली है।
को हॉस्पिटल लेके आए हैं, दो लोगों को गंभीर चोटें आई हैं तो उनको ग्वालियर रेफर कर दिया गया, बाकी दो लोगों को हॉस्पिटल भिंडर शासकीय हॉस्पिटल में एडमिट। जानकारी मिलते ही देहाती नालसी पर अपराध कायम कर लिया गया सात लोगों के और दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये जमीन संबंधी विवाद है, एक ही परिवार के लोग थे, एक जो आरोपी पक्ष है वो शायद जमीन का बंटवारा हुआ नहीं था इनका आपस में और वो मिट्टी डालने गए थे अपने खेत में, तो इन लोगों ने थोड़ा विरोध करा, उसी बात को लेकर उन लोगों ने गोली चला। कितने आरोपी इसमें? अभी सात आरोपी के नाम लिखवाए हैं। एक ही पक्ष के घायल हुए कि दूसरे दोनों पक्ष में घायल हुए? अभी तक जानकारी ये मिली है कि एक ही पक्ष के घायल हुए हैं, सामने वाली पार्टी ये मिली नहीं। सर इनका कितना पुराना विवाद है सर जमीन? ये जानकारी अभी क्लियर नहीं हो पाई है क्योंकि अभी लेटेस्ट में ये आए हैं तो इन्वेस्टिगेशन में। सर पिछले दो महीने बता रहे हैं कि दो महीने पहले भी विवाद थाने में आया था, तो ये निकालेंगे, जानकारी निकालेंगे और विवेचना में लेंगे। गोली कितने लोगों लगी? गोली अभी तीन लोगों की सुनने में आ रहा है, तीन लोगों की गोली लगी, दो लोगों को रेफर कर दिया एक। बहर में राष्ट्रीय हरित न्यायिक प्राधिकरण के आदेश और वन मंडलाधिकारी अभिनव पलवल के मार्गदर्शन में वन परिक्षेत्र बिरसा दमोह उपवन मंडल बहर और वन मंडल उत्तर बालाघाट के अंतर्गत चार अतिक्रमणकारियों के आवासों को जिला टास्क फोर्स के निर्णय के बाद राजस्व विभाग पुलिस विभाग के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए हटाया गया। पूरी कार्रवाई में पुलिस विभाग से थाना समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। खबर भिंड से है जहां डॉक्टर लाइन के सामने डिवाइडर से बाइक टकराने से बाइक पर सवार तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तीनों घायलों को इलाज के लिए ग्वालियर रेफर किया गया है, जिस दौरान एक घायल ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने इटावा रोड स्थित ऑफिसर कॉलोनी के सामने चक्का जाम कर दिया। वहीं पुलिस बल मौके पर वहां पहुंचा और एसपी सहित यादव ने जाम खुलवाया। बहर में अचानक मौसम परिवर्तन होने के कारण बारिश के साथ बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई है। वहीं बताया जा रहा है कि तेजी से बारिश और बर्फबारी होने की वजह से क्षेत्र के आसपास के किसानों की सब्जियां नष्ट होने की कगार पर है, साथ ही लोगों में भी अपना बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बर्फबारी होने से क्षेत्र में हर तरफ बर्फ ही बर्फ देखने को मिल रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बहर की ये तस्वीरें है जहां पर अचानक मौसम परिवर्तन होने के कारण बारिश के साथ बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई है और वहीं ये भी बताया जा रहा है कि तेजी से बारिश और बर्फबारी होने की वजह से क्षेत्र के आसपास के इलाकों के किसानों की सब्जियां नष्ट होने की कगार पर आ गई है और साथ ही लोगों ने भी अपने बचाव करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। वहीं बर्फबारी होने से क्षेत्र में हर तरफ बर्फ ही बर्फ देखी जा रही है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं बारिश के साथ हुई बर्फबारी की वजह से सफेद चादर जिले में बिछ गई है और ये बहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर बर्फबारी हुई है। कटनी में शादी समारोह में चली धनाधन गोलियां, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल कटनी नगर में कई सोशल मीडिया पर एक विवाह समारोह के दौरान राइफल और पिस्तौल से हवाई फायर करते हुए वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में माधव नगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने मोबाइल वीडियो के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। सीहोर जिला पुलिस ने अपहरण के केस को सुलझाने में बड़ी सफलता हासिल की है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी मयंक अवस्थी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मासूम बालिका को सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंप दिया है। इसके बाद थाने में आरोपियों के खिलाफ धारा 363 और 372 के तहत मामला दर्ज कर लिखा गया। घटना को अंजाम देने में दो महिला सदस्य भी शामिल थी, महिला आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तिवारी इस प्रकार के कुछ लोगों के नाम से पता चले, जो कि बहुत ही वेग इंफॉर्मेशन थी, उसके बाद से उसको डेवलप करके फिर हम लोगों ने उस गाड़ी को ट्रेस किया। ट्रेस करते करते ये पता चला कि गाड़ी यहाँ से राजगढ़ ब्यावरा होते हुए शिवपुरी जिले में मायापुर थाने के अंतर्गत किसी एक गाँव में बेची गई। तत्काल यहाँ से टीमें रवाना की गई, थाना प्रभारी जुड़ रहा
एवं इच्छावर थाने के सब इंस्पेक्टर कमलेश अपनी टीमों को लेकर वहां तक कल पहुंचे। शिवपुरी पुलिस अधीक्षक महोदय से भी चर्चा कर उनसे जो अपेक्षित सहयोग था वो प्राप्त किया गया। उनके द्वारा भी संबंधित थानों को सहयोग के लिए निश्चित किया गया। रात के रात में पूरा सर्चिंग चलती रही और पुलिस ने घटना में देखते ही उनको और बच्ची को सकुशल वहां से बरामद किया। बच्ची को वो लोग धराधंधा कर यहाँ से ले गए थे। इसमें जो मुख्य आरोपी है एक गया मुस्तिकापुर में भी मानव तस्करी का एक दो अपराध पंजीबद्ध है। सजा 2009 में कोर्ट से मिल चुकी है। खबर झाबुआ से है जहां बारातियों से भरी एक पिकअप पलट गई जिसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि गांव तीखी से बारात पिकअप से सुल्तानपुरा आई थी, वहीं शादी के बाद वापस लौट रही थी और वहीं रास्ते में वाहन असंतुलित होकर पलट गई। खबर सीहोर से है जहां कलेक्टर प्रवीण सिंह ने जिले में अवैध कॉलोनियों पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए थे और बिना सक्षम अनुमतियों के अवैध रूप से कॉलोनी का निर्माण करने वाले कॉलोनाइजर के खिलाफ कार्रवाई करने के एसडीएम और राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए थे। इसी कड़ी में एसडीएम तन्मय वर्मा ने बताया कि सीहोर में बिना किसी सक्षम अनुमति के बनाई जा रही अवैध कॉलोनी निर्माण को सख्ती से रोकने की कार्रवाई की गई है। साथ ही इंदौर नाका रोड सीहोर स्थित अंजनी धाम कॉलोनी और गणेश मंदिर रोड गोपालपुरा में अजय राय, विद्या राय और शिवम राय की ओर से अवैध रूप में बनाई जा रही कॉलोनी पर बुलडोजर चलाकर बाउंड्री वॉल और अन्य स्ट्रक्चर नष्ट किए गए हैं। वहीं एसडीएम ने बताया कि अवैध कॉलोनी और ऐसे कॉलोनाइजर के खिलाफ निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी। एसडीएम तन्मय वर्मा ने बताया कि हम नागरिकों से अपील भी कर रहे हैं कि वे सस्ती दर पर प्लॉट मकान के लालच में आकर अवैध कॉलोनी में प्लॉट न खरीदें। बहर में राष्ट्रीय हरित न्यायिक प्राधिकरण के आदेश और वन मंडलाधिकारी अभिनव पलवल सर के मार्गदर्शन में वन परिक्षेत्र बिरसा दमोह उपमंडल बहर और वन मंडल उत्तर बालाघाट के अंतर्गत चार अतिक्रमणकारियों के आवासों को जिला टास्क फोर्स के निर्णय के बाद राजस्व विभाग पुलिस विभाग के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए हटाया गया। पूरी कार्रवाई में पुलिस विभाग से थाना समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर नर्मदा तट पर बड़ी संख्या में प्रतिदिन श्रद्धालु का आगमन होता है। अमावस्या पूर्णिमा और पर्व पर अत्यधिक भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में तीर्थ में दान का बड़ा महत्व है, लोग उसका लाभ ले रहे हैं। समाजसेवी जयप्रकाश पुरोहित ने मौनी अमावस्या पर्व को लेकर कहा कि प्रशासन को ओमकारेश्वर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के साथ बाहर से आकर चंदन टीका लगाने वालों की संख्या अत्यधिक बढ़ रही है जो तीर्थ की छवि को खराब कर रही है। ऐसे लोगों को चिन्हित कर आवश्यक कदम उठाना चाहिए जिससे श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो। वहीं मंदिर में वीआईपी के नाम पर हो रही लूट को लेकर मंदिर प्रशासन ने कार्रवाई की है। जगह जगह संकेत बोर्ड लगाकर सचेत भी किया जा रहा है। महीना को बड़ा महीना कहा जाता है और आज की जो अमावस्या है मौनी अमावस्या कहा जाता है। आज इलाहाबाद जो प्रयागराज है वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है एक महीने का, तो ओंकारेश्वर में भी आज के दिन जो है करीब करीब 1 लाख श्रद्धालुओं के आने की पूरी पूरी संभावना है। शाम तक अभी 25-30 हजार भक्त पहुंच चुके हैं ओंकारेश्वर में और बड़े श्रद्धा के साथ में परिक्रमा भी कर रहे हैं। ओंकारेश्वर पर्वत की दान धर्म भी कर रहे हैं, दर्शन भी कर रहे हैं, नर्मदा स्नान भी कर रहे हैं। प्रशासन को थोड़ा सा इस संबंध में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर जो आकर बाहर के लोग कुछ आकर के टीका वगैरह लगाते हैं, कौन है, कहाँ से आ रहे हैं, उनके आधार कार्डों की जांच होना चाहिए और उससे क्या होता है यात्री परेशान होता है, वो जबरदस्ती खड़े हो जाते हैं सामने और टीका लगाते हैं, तो ऐसे लोगों की जांच की जानी चाहिए और वो कहाँ से आ रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं हो कि कोई अराजक तत्व भी आता रहे और वो एक काम करता रहे, कभी कोई घटना दुर्घटना चोरी चपाट। सीहोर जिला मुख्यालय के समीपस्थ चितावलिया हेमा स्थित निर्माणाधीन मुरली मनोहर और कुबेरेश्वर महादेव मंदिर में मौनी अमावस्या पर 1 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे और भगवान की विशेष पूजा अर्चना की। यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं को अंतर्राष्ट्रीय भगवत कथा वाचक भूषण गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा के निर्देश पर भोजन प्रसादी का वितरण किया गया। पिछले 10 दिनों में 10 लाख से अधिक श्रद्धालु यहां आ चुके हैं जिससे मंदिर परिसर के हर तरफ श्रद्धालुओं का सैलाब नजर आता है। वहीं आगामी 7 मार्च से होने वाले भव्य रुद्राक्ष महोत्सव, शिव महापुराण कथा को लेकर तैयारियां चल रही है।
मंदिर परिसर के पीछे कथा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भव्य पंडाल के अलावा भोजन आदि की व्यवस्था भी की जाएगी। इसके लिए समिति, प्रशासन, सामाजिक संगठन और जनप्रतिनिधि एकजुट होकर तैयारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जेल रोड शाखा द्वारा ग्राहक बैठक का आयोजन किया गया, जहां सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय प्रमुख बीआर रामकृष्ण नायक ने संवाददाता से बात की और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के इस ग्राहक मिलन समारोह और ग्राहक बैठक में बैंक अधिकारियों सहित 70 से अधिक ग्राहकों ने भाग लिया। बैठक में विभिन्न आयु वर्ग के ग्राहक, विभिन्न प्रकार के व्यवसाय एवं विभिन्न क्षेत्रों के लोग उपस्थित रहे। बता दें कि बैठक की मेजबानी जेल रोड शाखा के वरिष्ठ प्रबंधक विशाल गौरव ने की। जब साधना न्यूज ने ग्राहकों से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के विषय में फीडबैक लिया तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रीमियम कस्टमर के रूप में उपस्थित सिग्मा कॉलोनाइजर ग्रुप के अरविंद कोरी व शुभम कोरी ने बताया कि हमारे प्रोजेक्ट के लिए हमें बैंक ने बहुत सपोर्ट किया है। बैठक में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय प्रमुख, जोनल प्रमुख, क्षेत्रीय प्रमुख, आईएएस, नगर पालिका अध्यक्ष समेत महिला मोर्चा नेता उपस्थित रही। कॉलोनाइजर से होंगे तो सेंट्रल बैंक से काफी हेल्प मिली लोन के रिगार्डिंग, और मैक्सिमम सपोर्ट जो कि सबसे बड़ी चीज होती है जो अपन को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से मिला, फाइनेंशियली भी और मेंटली भी। ठीक है, अब खैर भैया तो बोल ही चुके हैं हमारे बाकी ये है कि देखा जाए तो क्लाइंट्स को भी बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला इस चीज को लेके, क्योंकि उनके लिए लोन की चीजें, लोन की फैसिलिटी बहुत इजीली अवेलेबल हुई। ठीक है ना, जैसे कि भैया ने बताया कि वन वीक के अंदर लोन प्रोवाइड करना, जो कि अदर बैंकिंग में थोड़ा पॉसिबल नहीं है, तो देखा जाए तो ऑल ओवर की ईज बहुत ज्यादा हमें दी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने, जिसके कारण हमारे ग्रोथ अच्छी हो रही है अभी इसके लेके। तो दूसरी बैंकों से अगर माना जाए तो जो सुविधाएं और ब्याज दर है, तो आपका कहना यह है कि वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का बेहतर है? जी हाँ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ब्याज दर प्लस कहते हैं प्रोसेसिंग बहुत ईज है। मेनली देखिए गवर्नमेंट बैंक्स तो सारे हैं ही, लेकिन फैसिलिटी जो प्रोवाइड करता है वो, मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की फैसिलिटी बहुत नेक्स्ट लेवल है, जिसमें वन वीक के अंदर अगर कोई बैंक प्रोसीड कर रहा है चीजें तो लोग, हमारे जो क्लाइंट्स का जो समय बच रहा है वो बहुत सराहनीय है, क्योंकि समय की बहुत कीमत है आज की डेट में, तो उनको बहुत इजीली चीजें अवेलेबल हो पा रही हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू। तो आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कार्य से, उनके स्टाफ से, उनके व्यवहार से आप पूरी तरह संतुष्ट हैं? जी हाँ जी हाँ, बहुत ही ज्यादा संतुष्ट हैं, क्योंकि एक बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि टेबल से टेबल जाना नहीं पड़ता इस बैंक में आप जहां जाएंगे विद इन मिनट या आवर के अंदर आपका काम हो जाएगा। मेरा नाम अरविंद कोरी है, मैं सिग्मा कॉलोनाइजर ग्रुप से हूँ। आज का जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का प्रोग्राम था, इसमें हम एक प्रीमियम कस्टमर के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं। सेंट्रल बैंक से हमें बहुत मदद की किसी भी चीज़ को लेके। नॉर्मली हमारी जो प्रोफाइल आती है वो बिल्डर प्रोफाइल आती है, जो अदर बैंक्स हम लोगों को उस चीज़ में सपोर्ट नहीं करते हैं, हमें लोन फाइनेंस किसी भी चीज़ में जो सपोर्ट नहीं किया, जो हमें सेंट्रल बैंक ने किया, और सेंट्रल बैंक से काफ़ी हमें मदद मिली इस चीज़ में, और काफ़ी चीज़ों को समझा गया। अभी तक हम लोग जो काम करते थे उसके अंदर हम फाइनेंस फैसिलिटी का फ़ायदा नहीं उठा पाते थे, जो सेंट्रल बैंक की तरफ से हमें मिला है, और उस फैसिलिटी के जरिए आज हमने अपने प्रोजेक्ट को भी कंप्लीट किया है, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक से जो हमारी उम्मीदें हैं कि सेंट्रल बैंक की तरफ से जो हमें रिस्पांस मिलता है और सेंट्रल बैंक की तरफ से जो हमारे बातों को सुना जाता है, हमारे क्लाइंट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है, वो सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं प्रोत्साहित भी करती हैं, और कहीं ना कहीं हमारे क्लाइंट्स को भी जो होम लोन फैसिलिटी है वो सेंट्रल बैंक द्वारा दिया जा रहा है, हमारे पूरे प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया, और विद इन वन वीक के अंदर कस्टमर को लोन देने की फैसिलिटी जो सेंट्रल बैंक ने दी है वो वाकई में सराहनीय बात है। मैं बीआर रामकृष्ण नायक, क्षेत्रीय प्रमुख सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भोपाल। ये आज की एक मीटिंग थी, कस्टमर मीट समझो, जो ग्राहक लोग को हम हमारी बैंक का तरफ से अलग अलग जगह पे अलग अलग मीटिंग करते रहते। ये अंतर्गत में हमारी जो जेल रोड शाखा है उस शाखा का इधर कस्टमर मीट रखे थे। ये कस्टमर मीट में बहुत सारे लोग भाग लिए, और आईएएस आईपीएस लोगों को भी हम आमंत्रित किए थे, सारंग साहब को भी आमंत्रित किए थे,
ये मीटिंग हर एक जगह पे हमारी पूरी भारत देश में हर एक क्षेत्र में हर एक जोन में चलता ही रहता है, क्योंकि हमारी ग्राहक जो रहता है ग्राहक का फीडबैक हमारे को जरूर रहता है कि हमारी हम समझते हैं हमारी बैंक अच्छी चल रही है, हमारे शाखा अच्छे चल रहे हैं, हम अच्छे काम कर रहे हैं। तब तक ग्राहक लोग का हमारे को फीडबैक नहीं मिलेगा, हमारी में क्या मतलब बैंक में पॉलिसी मिले, हमारे में कोई कमी आए, हमारे स्टाफ में कोई कमी आ रहा है उसको सुधारने के लिए, और ये सभी चीजें मीटिंग चलती रहती है उसके अंतर्गत में आज ये मीटिंग किया है। ये जो हमारे जो विशाल गौरव है ब्रांच मैनेजर प्लस उसका स्टाफ मिला के ये मीटिंग अरेंज किया है। ये मीटिंग वगैरह अरेंज करने के लिए मीटिंग अलग अलग मीटिंग करने के लिए हमारे जो जोनल हेड है तरसिम सिंह जीरा साहब है जो भोपाल पूरी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही, नमस्कार।